छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों के साथ आपका स्वागत है, मैं हूं लीना। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। छत्तीसगढ़ में कमजोर पड़ रहा कोरोना, 9121 नए पॉजिटिव, 12274 स्वस्थ। छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, बड़े निर्माण कार्यों के ठेके निरस्त। पूरी तरह से नहीं होगा खत्म लॉकडाउन, अनलॉक की प्रक्रिया होगी शुरू। शराब को लेकर भाजपा ने किया कटाक्ष, कांग्रेस भी भाजपा पर हुई हमलावर। और पुलिस कर्मियों के लिए कोविड केयर का शुभारंभ, जवानों और उनके परिजनों को मिलेगा लाभ। अब देखते हैं खबर विस्तार से। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर धीमा पड़ता दिख रहा है। प्रदेश में कल 9121 पॉजिटिव मिले हैं, वहीं 12274 मरीज स्वस्थ हुए हैं। इसी तरह प्रदेश में 195 मरीजों की मौत हुई है। कोरोना से होने वाली मौतों के मामले में दुर्ग ने रायपुर को पीछे छोड़ दिया है। गुरुवार शाम तक दुर्ग जिले में 278 मरीज मिले हैं, वहीं 34 लोगों की मौत हुई है। रायपुर में 655 नए मरीज मिले हैं, वहीं 28 मरीजों ने कोरोना से दम तोड़ दिया है। राजनांदगांव में 552, बालोद से 250, बेमेतरा से 144, कबीरधाम से 220, महासमुंद से 296, गरियाबंद से 251, बिलासपुर से 433, रायगढ़ से 721, कोरबा से 462 मरीज शामिल है। छत्तीसगढ़ सरकार ने 51 एकड़ में 270 करोड़ की लागत से बन रहे छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन समेत सीएम आवास, राजभवन और सरकारी आवास के निर्माण पर रोक लगा दी है। अब कांग्रेसी केंद्र सरकार के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर सवाल उठा रहे हैं। कल हमने फैसला लिया कि ये जो विधानसभा भवन बन रहे हैं उसे उसका टेंडर रोका जाए और साथ ही राजभवन और मुख्यमंत्री निवास, मंत्री निवास, अधिकारियों के जो बंगले बन रहे थे उस पर हमने रोक लगाई। तो ये जो राजभवन, विधानसभा भवन और मंत्री बंगले जिसकी लागत लगभग 1100 करोड़ रुपये से ज़्यादा, उस कार्य को स्थगित करने का निर्णय जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने लिया उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए और इस राशि का उपयोग छत्तीसगढ़ के जनजीवन को बचाने में किया जाएगा। एक और छत्तीसगढ़ में इतना बड़ा निर्णय हुआ और देश में जब केंद्र में जिस प्रकार से पार्लियामेंट हाउस और पीएम हाउस बनाने का काम सेंट्रल स्टाफ पे बनाने का जो काम चल रहा है उसको स्थगित करने के बारे में सारे देश में मांग हो रही है, केंद्र सरकार इसमें पता नहीं क्यों मौन है। तो दोनों बातों का अगर आप तुलना करेंगे तो छत्तीसगढ़ की सरकार अपनी जनता के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, इसका यह सबसे बड़ा उदाहरण है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अनलॉक को लेकर सभी जिलों में निर्देश जारी होगा लेकिन अभी पूरी तरह से लॉकडाउन को खत्म नहीं किया जाएगा। मीडिया से चर्चा करते हुए कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि एक साथ लॉकडाउन खत्म करने से भीड़ ज्यादा होने लगेगी। चेंबर ऑफ कॉमर्स ने भी इस बात को माना और लॉकडाउन को चरणबद्ध से खोलने पर अपनी सहमति जताई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिला कलेक्टरों को निर्देश दिया है कि व्यापारी प्रतिनिधियों के साथ मिलकर के किन किन दुकानों में और रियायत दी जा सकती है, कितने समय तक दुकानें खोली जा सकती हैं, कौन कौन से और दुकान खोले जा सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करके कल मैं समझता हूँ सभी जिलों के लिए निर्देश जारी हो जाएगा। लेकिन ये बिल्कुल तय मान लीजिएगा एकदम से अनलॉक करने की कोई स्थिति नहीं है, लॉकडाउन समाप्त करने की कोई स्थिति नहीं है, रियायतें जारी रहेंगी लेकिन लॉकडाउन भी जारी रहेगा। अभी संक्रमण का जो प्रतिशत है वो कम हुआ है लेकिन अभी हम संक्रमण से मुक्त नहीं हुए हैं। छत्तीसगढ़ में शराब की ऑनलाइन बिक्री पर विपक्षी दल भाजपा के नेताओं ने जमकर कटाक्ष किया है। इसके जवाब में प्रदेश के मुख्यमंत्री और अन्य नेता भी हमलावर हुए हैं। आइए जानते हैं किस नेता ने क्या बयान दिया। डॉक्टर रमन सिंह जी के ही कार्यकाल में छत्तीसगढ़ में शराब की नदियां बहाई गई, उनके भगीरथ प्रयास से उनके शासन का जब अंत हुआ तो छत्तीसगढ़ में आबकारी से आमदनी लगभग 4,450 करोड़ हो चुकी थी। तो ये 10 गुना जो वृद्धि शराब की आमदनी और शराब की खपत में डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल में हुआ, मैं तो चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदेव साय जी से कि डॉक्टर रमन सिंह जी का नाम इस प्रकार से जो भगीरथ प्रयास करके उन्होंने छत्तीसगढ़ में शराब की नदियां बहाई थी और शराब की आमदनी 10 गुना बढ़ाया था उसके लिए डॉक्टर रमन सिंह जी का नाम पद्म पुरस्कारों के लिए केंद्र की सरकार को अनुशंसा करे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के नेता ऑनलाइन शराब बिक्री के लिए बातें कर रहे थे, आंदोलन करने की बातें कर रहे थे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को दोषी बता रहे थे, कांग्रेस सरकार को दोषी बता रहे थे। अब जब
वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में खुलेआम शराब बिक्री की बात हुई है और यहाँ ऑनलाइन शराब बिक्री का अनुमति दिया गया था तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में दही सा जम गया है। कांग्रेस पार्टी पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर, बृजमोहन अग्रवाल से जानना चाहती है कि ऑनलाइन शराब बिक्री का विरोध वह छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं, क्या वह विरोध वाराणसी में खुलेआम शराब बिक्री का जो आदेश जारी किया गया है उसका विरोध करेंगे। जांजगीर चांपा जिले में पुलिसकर्मी और उनके परिजनों के लगातार संक्रमित होने के बाद बेहतर उपचार प्रदान करने के लिए जिले के एसपी पारुल माथुर के प्रयास से जिले के रक्षित केंद्र में कोविड केयर सेंटर बनाया गया है। इस कोविड केयर सेंटर में 10 ऑक्सीजन युक्त बेड, 10 सामान्य बिस्तर होंगे जहां पुलिसकर्मी और उनके परिजन स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकेंगे। कोरबा जिले में कोविड 19 जांच के लिए आरटीपीसीआर का लैब आरंभ हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री, प्रभारी मंत्री, सांसद, विधायक और अधिकारी भी शुभारंभ के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल हुए। महामारी के इस दौर में कोरबा वासियों के लिए राहत भरी खबर है। जिले में कोरोना संक्रमितों की पहचान के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट की सुविधा अब शुरू हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम, सांसद ज्योत्सना महंत की वर्चुअल उपस्थिति में राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने कोरबा के जिला अस्पताल परिसर में वायरोलॉजी लैब का शुभारंभ किया। कोरबा पुलिस के डीजल चोरों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। यहां अलग अलग थाना क्षेत्रों से दुस्साहसी डीजल चोर गिरफ्तार। आरोपियों से लगभग 1200 लीटर डीजल जब्त किया गया है। चोरों का ये गिरोह एसएससीएल के कोयला खदानों से संगठित तरीके से डीजल की चोरी करता है। कोरबा जिले के कोयला खदानों में आए दिन डीजल बड़े पैमाने पर चोरी किया जाता रहा है। पुलिस अधीक्षक के द्वारा डीजल कबाड़, कोयला अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण और अंकुश लगाने के लिए सभी थाना प्रभारी, चौकी, पुलिस सहायता केंद्र में लगातार सघन कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में दीपका और कुसमुंडा थाना क्षेत्र में दो अलग अलग शातिर डीजल चोर को पुलिस पकड़ने में कामयाब रही। जो एसीसीएल के जो खदान एरिया है, तो जो कि थाना कुसमुंडा, आरती बाजार और दीपका एरिया में आता है, यहाँ पे विगत दिनों से लगातार कई जगहों पर से इनका जो डीजल है उससे चोरी की शिकायतें प्राप्त हो रही थी। इस पर आदरणीय एसपी सर के मार्गदर्शन में विशेष टीम तैयार किया गया था और इनके द्वारा लगातार विशेष टीम द्वारा लगातार उस क्षेत्र में रात को और दिन को भी निगरानी रखी जा रही थी। इसी टीम को दौरान थाना प्रभारी दीपका और थाना प्रभारी कुसमुंडा को आज रात को जो अलग अलग प्रकरणों में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है, इसमें पुरुषोत्तम यादव जो कि बगदबरी थाना पलौदा करने वाला था, उसके द्वारा 35-35 लीटर से 12-20 लीटर, कुल 420 लीटर। बिलासपुर रेंज के आईजी रतनलाल डांगी एक दिवसीय दौरे पर कोरबा पहुंचे। बिलासपुर आईजी ने कोरबा जिले में लॉकडाउन और कोरोना संक्रमण काल के दौरान पुलिस द्वारा बनाए गए सभी व्यवस्था का अवलोकन और निरीक्षण किया। इस दौरान उनके द्वारा कोरबा शहर के विभिन्न चौक चौराहों और सीमावर्ती बैरियर में ड्यूटी पर तैनात सभी जवानों से बातचीत कर उनका हौसला अफजाई भी की। आईजी रतनलाल डांगी ने इस दौरे के दौरान कोरबा पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा द्वारा अवैध जुआ, सट्टा, शराब और मादक द्रव्य के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान को बेहतर माना। उन्होंने इस दौरान ड्यूटी पर तैनात जवानों से बातचीत भी की। समाज सेवा के क्षेत्र में सिख समाज का हमेशा विशेष योगदान रहा है। छत्तीसगढ़ युवा सिख संगठन कोरोना से जंग में विगत कई दिनों से जरूरतमंद लोगों तक न केवल सूखा राशन वरन भोजन पानी भी घर घर पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा सांस से पीड़ित रोगियों की मदद भी की जा रही है। राजधानी रायपुर में सिख समाज के युवा कोरोना प्रभावितों को बढ़ चढ़ कर मदद कर रहे हैं। उन्होंने कोरोना पीड़ित जिन्हें सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं, उनके तात्कालिक मदद के लिए विधायक कुलदीप जुनेजा की मदद से 5 ऑक्सीजन कॉन्सट्रेटर मशीनें संगठन को मिली है। पूर्व में विधायक कुलदीप जुनेजा अपने निधि से वेंटिलेटर और एम्बुलेंस के लिए राशि स्वीकृत कर चुके हैं। युवा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष दलजीत चावला सहित हरपाल भामरा, लवली अरोरा, तेजेंद्र सलूजा ऑक्सीजन सिलेंडर और मशीन की व्यवस्था के साथ सेवा में कार्यरत है। वहीं जरूरत के मुताबिक निजी वाहनों से भी सहयोग कर रहे हैं। कोरोना काल में ऑक्सीजन तो दूर की बात है, अब उनमें लगने वाले फ्लोमीटर की भी बाजार में किल्लत हो रही है। कोरोना से पीड़ित मरीजों को सेवा भाव में ऑक्सीजन की सप्लाई करने वाले शहर के इंजीनियर साकेत तिवारी खुद ही फ्लोमीटर तैयार किया है, जिसकी मांग होने लगी है। बाजार में फ्लोमीटर की उपलब्धता नहीं होने पर साकेत तिवारी ने स्वयं ही इसका निर्माण कर लोगों तक पहुंचाने का काम शुरू कर दिया। उन्होंने कमर्शियल फ्लोमीटर तथा ऑक्सीजन
रेगुलेटर में बच्चों की फीडर बॉटल का इस्तेमाल करते हुए फ्लोमीटर तैयार किया। इसकी मदद से मरीजों को ऑक्सीजन देने के साथ मात्रा की जानकारी भी होती है। साकेत तिवारी ने बताया कि वे और उनकी टीम पिछले 10 अप्रैल से जरूरतमंद लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचा रहे हैं। अभी तक लगभग 300 परिवारों को मदद इस टीम द्वारा की जा चुकी है। ये हम 10 अप्रैल से जब ऑक्सीजन की क्राइसिस होने लगी तो हम ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई का काम शुरू किया। ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई में हमको सबसे बड़ी मुश्किल जो सामने आई वो ऑक्सीजन फ्लो मीटर की। हमने देखा कि ऑक्सीजन सिलेंडर तो लोगों को उपलब्ध हो जा रहा है लेकिन फ्लो मीटर नहीं मिल रहा है। उस समय हम लोगों को एक आइडिया सूझा कि हम ऑक्सीजन सिलेंडर जो है उसमें लगने वाले फ्लो मीटर को बना सकते हैं। उसके लिए हमने ये ऑक्सीजन रेगुलेटर की व्यवस्था की और इसके साथ ही आर्गन फ्लो मीटर जो इंडस्ट्रियल शॉप्स में इजीली अवेलेबल था, इस जो है आर्गन फ्लो मीटर को हमने बच्चों के फीडर बॉटल से कनेक्ट किया और हम इसका उपयोग जो है लोगों की मदद के लिए करने लगे। ये आइडिया सक्सेस होने के बाद हमने ये वीडियो यूट्यूब में भी शेयर किया। यूट्यूब में शेयर करने से ये बहुत जगहों तक पहुँचा और वहाँ से लोगों के कॉल आने लगे कि ये कैसे बनता है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, बने रहिए डीवी लाइव के साथ। नमस्कार।